सर, राहुल गांधी पर आपने जो बयान दिया था, आपके ऊपर मामला भी दर्ज हो चुका है कर्नाटक में, अभी भी कायम है क्या उस बयान पर? ये ऊपर पर पगड़ी है, कभी पीछे हटता है। जो एक बार सोच समझ के बयान दिया जाता है और पीछे हटने की आदत बिल्कुल पंजाबियों की ना है ना हटे। आज हर चीफ मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट, हर कांग्रेस पार्टी की तो बात छोड़िए, वो तो गांधी जी को शायद भूल भाल चुके हैं, पर बीजेपी आज हर जगह एक एक वर्कर जैसे 50 जगह आज चंडीगढ़ में गवर्नर साहब से लेके सारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे कार्यकर्ता एक एक जगह सफाई मुहिम में और अलग अलग प्रोग्रामों में ये काम कर रहे हैं। इसीलिए लोग मोदी जी को प्यार करते हैं और ये बीजेपी ने खास तौर पे आज प्रोग्राम, इसके बाद हम, क्योंकि खादी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हम 4 बजे जो सब बीजेपी के वर्कर, कार्यकर्ता, लीडर, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज छोटी, ये नहीं कोई बहुत महंगी चीजें, खादी की चीजें खरीदेंगे और उसको अपने घर में एक उसको पहचान देने के लिए, ये आज नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के खास तौर पे उनसे जुड़े हुए काम जो हैं, सफाई और खादी, दोनों चीजें आप सारे देश में, क्योंकि अगर खादी डालेंगे और खादी खरीदेंगे तो खादी वही बढ़ेगी तभी, बाकी बड़े बड़े ब्रांड तो मॉल्स में और सब जगह हम खरीदते ही हैं। इस दिन, आज के दिन गांधी जी के नाम पे हमें खादी की चीजें, खादी के वस्त्र, खादी की चीजें खरीदनी चाहिए, जिससे हमारा खादी का बिजनेस कारोबार भी बढ़े और खादी का एक मैसेज है लोगों के अंदर, नई जनरेशन के अंदर जाए। कंगना रावत ने स्टेटस पाया जी, उसके साफ तौर पर लिखा हुआ है देश के पिता नहीं, कंगना रावत ने बोला है धन्य है भारत, धन्य है भारत की माँ ये लाल, तो उन्होंने सीधा ये कहते थे राष्ट्र के पिता नहीं है लाल है, मेरा कद नहीं का ट्वीट किया उन्होंने। सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को मैं तो बापू दे यही बापू ने की किया सी, भी जे बुरा सुन दे तो अपने कान बंद कर दो। राहुल गांधी को समझ बहुत देर बाद आती है, राहुल गांधी नु जो समझ है वो बहुत देर बाद आती है, उसे ये पता होना चाहिए इलेक्शनें हार जीत होती रहती है, पर आप बता दो भी सबसे बड़ा, अगर किसी ने हरियाणा में, अगर मैं बात करूं, अगर सबसे ज्यादा जमीनें किसानों की लेके, ये रिकॉर्ड है आपके सामने, आप निकाल भी लेना, अगर एक इसमें 1% भी कोई फर्क हुआ, सबसे ज्यादा जमीनें जो किसानों की लेके, आप गढ़ाओं चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, आप और इंडस्ट्रियल जगह करनाल चले जाओ, पानी किसी ने लेके बड़े बड़े हाउसेस में, जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे उनकी बात करो, चाहे जो इनके लीडर हैं उनके जमाई राजा की बात करो, सारा हरियाणा तो लूट के उनको दे दिया। अब बहुत केस भी चल रहे हैं जिसमें आप जानते हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो गवर्नमेंट ने तो उसमें कुछ नहीं करना, पर सबसे ज्यादा अगर केस प्रॉपर्टीज किसानों की लेके किसी ने दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने, और वो दी किसने? अरे भाई राहुल जी, अपने, अब मैं क्या कहूं, अपने जवाई राजा से ही पूछ लो भी कितनी जमीन हुड्डा साहब ने हरियाणा में उनको दी है, उसका ही हिसाब ले लें, अडानी अंबानी का साहब बाद में ले, वो भी उनके नंबर में ही आते हैं जो उनके साथ में रहते हैं, जमाई एक ही है उनका, उनसे ही पूछ लें भी, वो अडानी और अंबानी से कम है। उसने ये भी बोला कि रक्षा बजट कम पर आपने जो बयान दिया था, अब आपके ऊपर मामला भी दर्ज हो चुका है कर्नाटक में, अभी भी कायम है क्या उस बयान पर आप? ये ऊपर पगड़ी है, कभी पीछे हटता है। जो एक बार सोच समझ के बयान दिया जाता है और पीछे हटने की आदत बिल्कुल पंजाबियों की ना है ना हटे। जयराम रमेश कह रहे हैं कि कर्नाटक में हमें तंग किया जा रहा है ईडी से, सीबीआई से, हम बीजेपी वाले हमें तंग कर रहे हैं, हमारी सरकार का। जयराम रमेश, एक ही जगह मिली है आपको मेरे ते, मैं आप तो आपके सामने खड़ा हूं, मैंने ये बात कही भी, राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी
मैं इस विवाद में जब उन्होंने सिखों की बात की उसमें उन्होंने कहा भी कड़ा नहीं डालने दिया या पगड़ी नहीं डालने दी जाती और गुरुद्वारे नहीं जाने दिए। यहां कितने लोग पगड़ी वाले मीडिया में भी खड़े हैं, मेरे को उल्टा क्वेश्चन कर लें, मेरे को पूछ लें भी हां नहीं जी नहीं हमें यहां नहीं जाने दिया जा रहा, तो मैं इनकी बात मान लूंगा जो राहुल गांधी कह रहे। एक भी जो पगड़ीधारी सिख यहां पे खड़ा है कोई कह दे मुझे भी हमें गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है, तो यार उस पे आप मेरे पे FIR दर्ज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात आप क्या समझोगे? इससे मतलब ये इंसाफ की आप इनसे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यार सज्जन कुमार टाइटलर जिन्होंने सिखों को गली शहर शहर उनको जलाया, उनको मतलब तंदूरों में डाला, ये लोग वो हैं। और दूसरी बात, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के भी सारे कांग्रेस के लीडर और भी। राहुल गांधी तो क्योंकि उनको तो जो बताया जाएगा वो ही बोलेंगे, खुद वो जवाब नहीं दे सकते, इतनी क्षमता उनमें है नहीं। कल जैसे अब मंदिर, अरे राम जी का वो नाच गाना बना रहा है, उसकी उसको अब जलेबी वो फैक्ट्री में बना रहा है, उसको यही नहीं पता कल वो जलेबी की बात कर रहे थे, जलेबी कहते फैक्ट्री में बनती, कौन सी फैक्ट्री है अभी जिसमें जलेबी, कौन सी फैक्ट्री में जलेबी बनती, जलेबी बनती है वो हलवाई की दुकान में। और ये कह दिया भी ये जलेबी से 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, जलेबी थे हूं मैनू दसो केड़ी जलेबी केड़ी है जी जी 50,000 लोगों नू जलेबी नहीं, ये तो मरुती वाले भी नहीं दे सके जड़ी ये जलेबी हरियाणे च कराती है, मैं तो पर उन्हां दी सोच ते। और दूजी एक मिनट और इहदे उत्ते जवाब दें, जो हमारे बहुत बड़े जो कीर्तनी जत्था वडाला साहब उनको जो अमेरिका में, मैं अमेरिका को भी सरकार को भी लेटर लिखूंगा अपनी सरकार की तरफ से भी, वहां ये कभी भी किसी सिख के साथ ये होना नहीं चाहिए, पर जब वो अमेरिका में ये हुआ और सारे मीडिया पे आया वडाला जो उनका सारे दो साथी थे कीर्तन करने जा रहे थे उनको पगड़ी उतारने के लिए अमेरिका में बोला गया, उस पे कौन पंजाब का कांग्रेस का लीडर और कौन नेशनल कांग्रेस का लीडर उस पे बोला है? ये आदमी अमेरिका में बोल के आया और कुछ दिन बाद ही अमेरिका में ये प्रॉब्लम सिखों के साथ आ गई, तो इसको क्या समझे हम?